कोरोना के बढ़ते केसेस को लेके हम लोगों ने जनपद में रणनीति बनाई है। एक तो हम लोगों के जनपद में जो प्रथम डोज जो लगभग 2.5 लाख लोग हैं छूटे हुए हैं और जिनकी सेकंड डोज ड्यू हो गई है वो लगभग 2.25 लाख लोग हैं, इनको हमें पूरी कोशिश करके आगामी कुछ दिवस में ही पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड करना है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी टीमें प्रतिदिन जा रही हैं, मोबाइल टीमें जा रही हैं, जहां जितने लोग मिलते हैं उनका टीकाकरण कर रही हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए कल हमने एक विशेष अभियान चलाया है। जनपद के सभी नगरीय क्षेत्रों में हमने कुछ विशेष स्थल चयन किए हैं। सभी नगर पालिका क्षेत्रों में 4 स्थल हैं और नगर पंचायत क्षेत्रों में 2 स्थल हैं जहां पर हमारी वैक्सीनेशन की टीमें रहेंगी। और मैं जनपद के सभी जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सभासद हैं वो जो, या अन्य नगर निकायों के अध्यक्ष हैं, इनसे भी मैं अभी गूगल मीट करके मीटिंग करूँगा कि कल एक उत्सव की तरह सभी लोग निकल के वैक्सीनेशन का कार्य अवश्य कराएं। जो लोग छूटे हुए हैं कल प्रथम डोज जिनको लगना है वो अवश्य लग जाए और जिनका सेकंड डोज ड्यू हो गया है वो उनको सेकंड डोज लग जाए। तो कल एक विशेष दिवस हम लोगों ने इसीलिए आयोजित किया है कि कल के बाद नगरीय क्षेत्र में कल कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति ना बचे जो प्रथम डोज के टीकाकरण से छूट जाए। मैं इस वैक्सीनेशन दिवस में अपने जनपद के सभी निवासियों से अनुरोध करता हूँ और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से, सभी वर्ग के लोगों से अनुरोध करता हूँ कि कल इस विशेष दिवस में जो लोग अभी तक प्रथम डोज से छूटे हुए हैं टीकाकरण अवश्य कराएं, ताकि जो आगामी तीसरी लहर संभावित है उसके संक्रमण से हम लोग बच सकें। सर, ग्रामीण